कुड़ा गांव से होकर निकलने वाली रेवाड़ी झज्जर रोहतक रेल लाइन को किसानों ने आज जाम किया हुआ है। आपको बता दें, इस रेल रोको आंदोलन में गांव की कई महिलाएं भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने इनकलाब जिंदाबाद और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। बता दें, लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की मांग को लेकर किसान संगठनों व संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में आज रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। देश के कई अलग अलग हिस्सों में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान नेता ने कहा कि जिला के गाँव गुड़ा से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन पर किसान सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे देश में संयुक्त मोर्चा ने यह आह्वान किया था कि लखीमपुर खीरी में जो हमारे 4 किसान और एक पत्रकार भाई मारे गए हैं, मारे क्या गए हैं, उनके ऊपर जिस तरह से गाड़ियां चढ़ाई गई और उनको रौंदा गया, उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा ने कलश यात्राएं निकालना, पुतले दहन करना, मोमबत्तियाँ जला के श्रद्धांजलि देना और 18 तारीख को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 6 घंटे का पूरे देश में रेल को रोकने का ये आंदोलन की घोषणा की थी। उसी घोषणा के तहत झज्जर जिले के तमाम संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यहाँ रेवाड़ी झज्जर का जो ट्रैक है उसके ऊपर गुड्डा गांव में बैठे हुए हैं और हम 6 बजे तक इस रेल रोको अभियान को कामयाब बनाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और लखीमपुर में जो हमारे किसानों के साथ नियते किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दी गई थी, ये मिश्रा जो मंत्री का बेटा था अजय मिश्रा ने, ये हमारे साथ में गलत किया उन्होंने। हम उसके विरोध में बैठे हैं और जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा, जब तक हम ऐसे ही अपना धरना प्रदर्शन देते रहेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, ना हम डरे थे ना डरेंगे। लखीमपुर खीरी घटना के चलते किसान संगठनों में आक्रोश बहुत ही ज़्यादा है, जिसको लेकर किसान लगातार मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज हम ये रेल दोबारा जिले की ओर से रोक रहे हैं, क्योंकि संयुक्त मोर्चा दोबारा आज रेल रोकने के लिए, उनको सच्चे श्रद्धांजलि देने के लिए, चाहे हमने पुतले फूकने के लिए दहन किया गया, उन सभी के लिए जो आह्वान संयुक्त मोर्चा था उसका आदेश का पालन किया गया, जिसमें हमारी महिला शक्ति भी और किसान मजदूर भाईचारा सभी छत्तीसगढ़ी भाईचारा शांतिपूर्वक यहाँ धरना लगाए हुए बैठे हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, वो जो मंत्री बनाया हुआ है उसको भी वहाँ उससे बीजेपी सरकार पद से निकल देती और 120 बी के अंदर उसको जेल में निकाला जाता। इतना जो भी संयुक्त मोर्चा वहाँ के आदेश अनुसार हमारे को आदेश करेगा, हमारा सभी छत्तीसगढ़ी भाईचारा इकट्ठा होकर के उसको पूरा करने काम करेगा। आपको बता दें कि किसान तीनों काले कृषि कानूनों को खत्म करवाने व न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करवाने के लिए राजधानी दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर बैठे हैं। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।